ये देखिए किस प्रकार से फॉल देखने को मिल रहा है, ये देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त फॉल है। क्या लोकेशन है ये, खतरनाक लगता है। मतलब अगर पहाड़ के आप आदमी नहीं हो तो यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, और हमें अभी डर लग रहा है काफी यहाँ जाने के लिए, लेकिन हम अपना एडवेंचर पूरा करेंगे और ये परिताल पर हम पहुँच गए। दोस्तों अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक और ट्रिप में ले चलेंगे। हमारे साथ है पंकज जोशी जी, हमारे मित्र, ये देख सकते हैं आप, और हेलमेट और मास्क पहन के बिल्कुल रेडी होकर चले हैं। एक छोटी सी ट्रिप है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वो परिताल है, परिताल ही बोलते हैं इसे, और पिकनिक वगैरह के लिए काफी अच्छा स्पॉट है। अब आपको दिखाएंगे, हम चलते हैं यहाँ से नैकुचिया से परिताल की तरफ और दिखाएंगे आपको आगे की जर्नी। हम लोग जा रहे हैं टूर पे और परिताल यहाँ पर लेके चलेंगे आज आपको, ये देख सकते हैं हमारे साथी लोग हमारे साथ यहाँ पर, अब हम चार लोग हो चुके हैं और इस परिताल से आगे अब हम चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा कैसे आप बढ़िया जगह जा सकते हैं और अपनी पिकनिक मना सकते हैं बढ़िया तरीके से। ये हमारे दीपक भाई हैं और ये नीरज जी, अपने पंकज जोशी जी, भीमताल से 14 किलोमीटर दूर, और ये युवाओं के लिए पिकनिक मनाने का बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ पर मछलियाँ, वन्य जीव सब पाए जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 15 किलोमीटर आगे भीमताल से, और ये चाफी होते हुए हम आगे निकल चुके हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, प्लस यहाँ पर परिताल है जिसको परिताल बोलते हैं, वैसे हमारे लिए तो गधेरा ही है, लेकिन आपको दिखाएंगे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक परिताल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं पहाड़ की तरफ, काफी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफी यहाँ पर चल रही है बढ़िया से।
और आपको बढ़िया जगह पे लेके जाएंगे आगे जाके। चलते हैं अभी आगे और देखते हैं अपना डेस्टिनेशन कैसा है। ये एक सॉलिड सी जगह है, देखिए आप वाटरफॉल और इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर एक बहुत ही नदी सी बह रही है, यहाँ पर लंबी टाइप की, बहुत ही लंबी है, बहुत बढ़िया जगह है। अभी नीचे लेके चलेंगे आपको यहाँ पर परिताल पे। वी आर रेडी टू गो। और हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ के लड़के बोल रहे हैं कि बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ पे नीचे शूटिंग भी चल रही है। ये आप देख सकते हैं क्या सॉलिड जगह है, अभी हमें वहीं जाना है। देखिए बहुत ही सॉलिड जगह है, गर्मी के टाइम में होगी इतना पानी में जगह नहीं। ये देखिए हमारे साथीगढ़ कह रहे हैं कि यहाँ पे जबरदस्त जगह है, कुछ साथी हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत खतरनाक रास्ता है, मतलब अगर पहाड़ के आप आदमी नहीं हो तो यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है और हमें अभी डर लग रहा है काफी यहाँ जाने के लिए, लेकिन हम अपना एडवेंचर पूरा करेंगे और ये परिताल पे हम पहुँच गए। और ये ऐसे देखिए अब रास्ता है इस तरीके से पूरा जंगल की तरह, ये देखिए पूरा जंगल है, उसके बीच से रास्ता है और हम परिताल में जाएंगे। यहाँ पे परिताल आपको दिखाएंगे जो कि अभी नाम रखा है रिसेंटली, लेकिन यहाँ पे मतलब जगह है बहुत ही बढ़िया, बहुत लंबी सी जगह है जहाँ वो आराम से पिकनिक बना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आके, और एक सुकून वाली अगर आप जगह ढूंढ रहे हैं तो इससे बेटर जगह आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। और ये भीमताल से काफी नजदीक भी है और नीचे आप देख सकते हैं ये डेस्टिनी किस तरीके से है, वही आपको दिखाना है आगे जाके। तो ये रास्ता है, इसी से हम आगे जाएंगे। तो हम अपनी यहाँ पर डेस्टिनी के नजदीक आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सीन देखने को मिल रहे हैं। हमारे शुरू में हमें यहाँ पर काफी डर लग रहा था आते हुए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें बहुत एडवेंचर लगा और बहुत मजा आया। और ये लोकेशन काफी जबरदस्त है, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप मतलब ऐसी लोकेशन में आएंगे, लेकिन यहाँ आके आपको ऐसा लग रहा कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं और बहुत जबरदस्त लोकेशन है ये। और हम आगे जाके अभी आपको पूरा ब्यौरा देंगे इसके बारे में, आगे की वीडियो में आपको हमारे भाई राकेश कुमार राकेश भगुणा जी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल रही है और थोड़ी ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पर बढ़िया सी ऐसी लोकेशन में आए हैं जहाँ पर आप फोटोग्राफी और पिकनिक का पूरा मजा ले सकते हैं यहाँ पर। और ऐसी जबरदस्त जगह है यहाँ पे, हम आपको बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा, जिसको परिताल भी कहते हैं। वैसे परिताल एक आजकल थोड़ा ट्रेडिशनल वाला नाम रखा गया है। ये आप देख सकते हैं ये एक बहती हुई नदी है बहुत ही जबरदस्त टाइप की, क्या पत्थर है यहाँ पर सॉलिड वाले। तो आप ये देख सकते हैं डेस्टिनी, तो ये आप देख सकते हैं नदी का पानी यहाँ पर रुका हुआ है और यही परिताल कहलाता है। ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लोकेशन है, आप देख सकते हैं पिकनिक मनाएंगे आप यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, पूरा पीसफुल होने के लिए आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सॉलिड सी जगह है। ये देख सकते हैं हमारे मित्र लोग किस प्रकार से यहाँ पर मजे ले रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। आगे की लोकेशन भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और पूरा दिन आप ऐसे मौज मस्ती के साथ यहाँ बिता सकते हैं। ये देखिए हम भी यहाँ पर पिकनिक के लिए पूरा सामान लेके आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप खाने पीने का आइटम, और ये फल हमारे साथीगण यहाँ पर काट रहे हैं और जो यहाँ पर मोबाइल में थोड़ा थोड़ा बिजी हैं, ये देखिए ककड़ी का आनंद लेते हुए। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लोकेशन है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये देख सकते हैं आप।
ये देखिए किस प्रकार से फॉल देखने को मिल रहा है, ये देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त फॉल है। क्या लोकेशन है ये फॉल इसी नदी से आगे जाके बनता है। और इसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ आ गए। तो यही था जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा था। कैसा ये लोकेशन लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का बटन